से मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मनिका गांव में खुले बोरवेल में गिरने से 6 साल के मयंक की मौत के बाद अब प्रशासन ने एक्शन लिया है। मामले में प्रशासन ने बोर मालिक सहित 5 अफसरों पर एक्शन लिया है। गाज गिरी है 5 अफसरों पर। बोर मालिक पर FIR दर्ज की गई है, जबकि जनपद CEO राहुल पांडे, PHE SDO AP तिवारी और पंचायत सचिव अशोक कुमार तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं रोजगार सहायक विकास मिश्रा को बोरवेल बंद न करने पर शोकॉज नोटिस जारी किया है, जबकि पंचायत समन्वयक अधिकारी प्रेम कुमार मिश्रा को भी नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब 24 घंटे में नहीं दिए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, शुक्रवार को मयंक बोरवेल में गिरा था। 45 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी मयंक को बचाया नहीं जा सका था और अब प्रशासन ने इस मामले में एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात की थी एक दिन पहले ही। सोशल मीडिया साइट X पर उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी। लगातार मध्य प्रदेश में बीते कुछ सालों में जिस तरह बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाएं काफी बढ़ी हैं और इस कारण प्रशासन ने अपने स्तर पर इसे रोकने के लिए काफी प्रयास भी किए, नियम भी बनाए, लेकिन उसका असर नहीं दिखता। समय समय पर ऐसी खबरें मध्य प्रदेश से आती रहती हैं जब बोरवेल में किसी ना किसी मासूम के जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष की स्थिति हो जाती है। रीवा के त्योंथर स्थित ये खेत में 6 साल का मयंक गिर गया था, जब 45 घंटे बाद उसे बाहर निकाला गया लेकिन जीवित नहीं बचाया जा सका। और अब इस पूरे मामले में एक्शन लिया है प्रशासन ने। 5 लोगों पर गाज गिरी है।